जहानाबाद में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर आयोजित किए गए कई कार्यक्रम, जिला प्रशासन के द्वारा गांधी मैदान में आयोजित की गई प्रार्थना सभा, स्कूली बच्चों ने शहर में निकाली झांकी, प्राइवेट विद्यालयों में भी जयंती के मौके पर लोगों ने बापू और शास्त्री जी को किया नमन। जिला कांग्रेस कार्यालय में गांधी जयंती के मौके पर कार्यकर्ताओं ने बापू के छायाचित्र पर किया माल्यार्पण। संबोधन में जिला अध्यक्ष ने हिंसा के बजाय अहिंसा का त्याग करने की दी गई नसीहत। किनारी बाजार को प्रखंड का दर्जा देने के लिए 6 लोगों ने शुरू किया आमरण अनशन। किनारी में अनशन के समर्थन में धरना पर बैठे हैं कई ग्राम। जहानाबाद सदर प्रखंड के 5 आदर्श पंचायतों में शुरू किया गया सांस्कृतिक कार्यक्रम। सिकरिया स्थित रामप्रीत सिंह इंटर कॉलेज में डीएम ने पहले कार्यक्रम का किया उद्घाटन। मारवाड़ी धर्मशाला में भाजपा नगर मंडल के कार्यकर्ताओं ने की बैठक। 27 अक्टूबर को पटना में होने वाली हुंकार रैली को सफल बनाने का किया गया आह्वान। प्रतिभा पल्लवन पब्लिक स्कूल में निजी विद्यालय संघ के कार्यालय का हुआ उद्घाटन। समारोह में शामिल हुए कई प्राइवेट स्कूलों के संचालक। और स्वामी विवेकानंद के विचारों को जानने के लिए गोरक्षिणी मोहल्ले में। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जिन्हें दुनिया बापू के नाम से जानती है, सत्य और अहिंसा के बदौलत बापू ने देश को अंग्रेजों के चंगुल से मुक्त कराया था, गुलाम भारत को आजाद कराया था। 2 अक्टूबर को बापू के अलावा पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की भी जयंती है। इन दोनों महान हस्तियों की जयंती जहानाबाद में हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। सरकारी और गैर सरकारी स्तर पर कई कार्यक्रम जहानाबाद में आयोजित कर इन्हें नमन किया गया। एक सरकारी कार्यक्रम का आयोजन किया गया जहानाबाद गांधी मैदान में। यहाँ जिला प्रशासन के तत्वाधान में प्रार्थना सभा का आयोजन हुआ। जहानाबाद के डीएम मोहम्मद सुहेल, एसपी साइली धूरत, एडीएम, एसडीओ सहित कई अधिकारी और स्कूली छात्र छात्राएं एवं शिक्षक प्रार्थना सभा में शामिल हुए। सर्वप्रथम अधिकारियों ने महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री के छायाचित्र पर माल्यार्पण कर इन्हें नमन किया। अधिकारियों ने इन दोनों महान हस्तियों की जीवनी पर प्रकाश डाला और लोगों को नसीहत दी कि वे बापू के बताए मार्ग का अनुसरण करें। प्रार्थना सभा में भजन गाए गए। कार्यक्रम का संचालन किया संतोष श्रीवास्तव ने। जयंती के मौके पर डीवी पब्लिक स्कूल में भी समारोह आयोजित कर बापू और शास्त्री जी के छायाचित्र पर माल्यार्पण किया गया। विद्यालय के निदेशक ने इस मौके पर बच्चों को सत्य और अहिंसा का पाठ पढ़ाया। डीवी पब्लिक स्कूल के तरफ से महात्मा गांधी के जन्म दिवस के अवसर पर और लाल बहादुर शास्त्री के जन्म दिवस के अवसर पर हम लोग बच्चों में महापुरुषों के विचार को लेकर के और आज जो देख रहे हैं वैश्विक स्तर पर नीति नैतिकता का जो घोर संकट होता जा रहा है, उन सारे विषयों में कि आज कारण क्या है। आज अमेरिका पूरे देश पर दादागिरी कर रहे हैं, तालिबानी हमले हो रहे हैं, हमारे देश में भ्रष्टाचार का माहौल फैला है, हर एक जगह पर देख रहे हैं आप सेक्स स्कैंडल, तो ये सब के पीछे कारण क्या है। ये जो महापुरुष बताए, इनके जीवनी से सीख लेकर के, इनके बताए रास्तों पर चल करके ही हम पूरे देश में या ऐसा कहें कि पूरे विश्व में हम शांति स्थापित कर सकते हैं, मानवता के विकास के लिए हम प्रयास कर सकते हैं। तो ये संदेश हम अपने स्कूल के माध्यम से, अपने बच्चों के माध्यम से, बच्चों को एक्टिविटीज के माध्यम से हम चाहते हैं कि हमारे जितने भी देश के नागरिक हैं, बुद्धिजीवी हैं, उनके अंदर में ये संदेश देना चाहते हैं कि हमारे बच्चों के अंदर में ये नीति नैतिकता बची हुई है, उनके बताए मार्गदर्शन में चल के हमारे देश को अग्रसर करने का प्रयास कर रहे हैं। नाम अपना नाम डॉक्टर बी एन सिंह, डीवीपीएस का प्रिंसिपल। उधर निर्मल भारत अभियान और लोहिया स्वच्छता योजना के अंतर्गत गांधी जयंती के मौके पर स्वच्छता उत्सव का आयोजन किया गया। इस मौके पर स्कूली छात्र छात्राओं ने शहर में झांकी निकाली। डीएम ने छात्र छात्राओं की इस झांकी को ऊटा मध्य विद्यालय से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। झांकी में शामिल बच्चे स्वच्छता से संबंधित स्लोगन लिखी तख्तियां लिए हुए थे, जिस पर खुले में शौच नहीं करने, अपने मोहल्ले और शहर को स्वच्छ रखने सहित कई स्लोगन लिखे थे। चंदन मिश्रा, आजकल के लिए।
राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और देश के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की 144वीं जयंती के उपलक्ष्य में जिला कांग्रेस कार्यालय में समारोह आयोजित किया गया। इस समारोह में उपस्थित पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने बापू और शास्त्री जी के छायाचित्र पर माल्यार्पण कर सत्य, निष्ठा और अहिंसा का मार्ग प्रशस्त करने का तो संकल्प लिया, लेकिन जिलाध्यक्ष प्रोफेसर खलील अंसारी इससे अलग कुछ और ही कह गए। इन्होंने सत्य और निष्ठा की तो बात कही, साथ ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं को हिंसा के बजाय अहिंसा को छोड़ने की भी बात कह गए। आप देखिए कांग्रेस के जिलाध्यक्ष प्रोफेसर खलील अंसारी गांधी जयंती के मौके पर लोगों को क्या नसीहत दे रहे हैं। चंदन मिश्रा, आजकल के लिए। हम लोगों के ही बुजुर्ग रहे हैं, कांग्रेस पार्टी उन्हीं की देख रेख में यहाँ पनपी है, चली है। इसीलिए हम लोग सारे लोगों ने शपथ लिया है कि आपसी सौहार्द का वातावरण रखें, कोई भी काम सत्याग्रह पूर्वक करें, सत्याग्रह करके करें, अहिंसा को छोड़ें। किनारी बाजार को प्रखंड का दर्जा देने के लिए जहानाबाद में विगत कई महीने से आंदोलन किए जा रहे हैं। किनारी प्रखंड बनाव संघर्ष समिति के बैनर तले धरना प्रदर्शन किए गए हैं, लेकिन संघर्ष समिति की मांग पूरी नहीं हुई है। किनारी बाजार को प्रखंड का दर्जा देने सहित कई मांगों को लेकर एक बार फिर आंदोलन किया गया। इस बार संघर्ष समिति के बैनर तले किनारी बाजार में आमरण अनशन प्रारंभ किया गया है। शिव नारायण कुशवाहा, सत्येंद्र कुमार, गौतम कुमार, गया शर्मा, गणेश बिंद और ईश्वरी यादव अनशन पर बैठे। अनशनकारियों के समर्थन में संघर्ष समिति के कई लोग धरना पर बैठे हैं। इन लोगों की मांग है कि किनारी बाजार को प्रखंड का दर्जा दिया जाए, टाली किनारी जर्जर सड़क को मरम्मत करते हुए पालीगंज से जोड़ा जाए, अधूरे ककड़िया पुलिया को अविलंब पूर्ण किया जाए और जहानाबाद प्रखंड स्वास्थ्य केंद्र का स्थानांतरण नहीं किया जाए। स्वास्थ्य केंद्र को जहानाबाद में ही रहने देने की मांग अनशनकारियों ने की है। चंदन मिश्रा, आजकल के लिए। किनारी बाजार को प्रखंड की दर्जा दी जाए, क्योंकि पंचायत समिति और जिला परिषद का बैठक में सर्वसम्मत राय से किनारी को प्रखंड का दर्जा देने का प्रस्ताव पारित हो चुका है। इसके साथ साथ प्रधानमंत्री सड़क योजना से बनी सड़क ताली किनारी को हालत जर्जर है, इसकी मरम्मती कराते हुए पालीगंज सड़क से जोड़ा जाए, अधूरे ककरिया पुल को पूर्ण किया जाए, सभी पंचायत के गाँव में बिजली उपलब्ध कराया जाए, चूँकि इसके पहले 10 वर्षों से यहाँ कनेक्शन के लिए पैसा सरकार के यहाँ जमा किए हैं, न ट्रांसफर मिला है, न पोल मिला है, सरकार की तरफ से पैसा जमा होने के बाद भी कुछ नहीं मिला। आपकी सरकार आपके द्वार। राज्य सरकार के इस कार्यक्रम के तहत जहानाबाद सदर प्रखंड के 5 पंचायत सिकरिया, भवानी चक सुरुंगापुर, मांदेबीघा, सेवनंद और जामुक पंचायत आदर्श पंचायत की श्रेणी में है। इन आदर्श पंचायतों में लगातार सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित होंगे। कला संस्कृति एवं युवा विभाग बिहार और जिला प्रशासन के तत्वाधान में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। गांधी जयंती के अवसर पर इसकी शुरुआत सिकरिया से हुई। सिकरिया पंचायत के रामवृत सिंह इंटर कॉलेज परिसर में पहला सांस्कृतिक कार्यक्रम किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन किया जहानाबाद के DM मोहम्मद सुहेल ने। इस मौके पर SDO के अलावा स्थानीय कई जनप्रतिनिधि और समाज सेवी उपस्थित थे। सांस्कृतिक कार्यक्रम को लेकर कॉलेज परिसर में भारी संख्या में लोग उपस्थित थे। ग्रामीणों के अलावा आसपास के स्कूलों में पढ़ने वाले कई छात्र छात्राओं की भीड़ से कॉलेज परिसर भरा था। इस कार्यक्रम में छोटे छोटे बच्चों के अलावा स्थानीय कलाकारों ने नृत्य, संगीत, मगही गीत प्रस्तुत कर उपस्थित दर्शकों का मन मोह लिया। चंद्र मिश्रा, आजकल के लिए।
जहानाबाद स्थित मारवाड़ी धर्मशाला में भारतीय जनता पार्टी नगर मंडल के कार्यकर्ताओं की बैठक हुई। अध्यक्षता नगर मंडल के अध्यक्ष मनोज कुमार अग्रवाल ने की। इस बैठक में नगर मंडल के सभी 33 वार्डों के पदाधिकारी और सक्रिय कार्यकर्ता उपस्थित थे। मुख्य रूप से 27 अक्टूबर को पटना में होने वाली हुंकार रैली को सफल बनाने पर चर्चा हुई। नगर अध्यक्ष ने कहा कि हुंकार रैली में नरेंद्र मोदी पटना के गांधी मैदान से जनता को संबोधित करेंगे, इसलिए उनके विचारों को सुनने के लिए नगर क्षेत्र से भारी संख्या में लोग रैली में शामिल हों। चंदन मिश्रा, आजकल के लिए। भारतीय जनता पार्टी नगर मंडल की जो बैठक हो रही है, इसमें आगामी 27 अक्टूबर को जो पटना में हुंकार रैली है उस पर चर्चा हो रही है, और दो तीन बार मिला के हर एक बार में हम लोग बैठक करवाने के लिए निर्णय ले रहे हैं और हर बार के लिए प्रभारी नियुक्त हो गए हैं। क्या लगता है इस बार का जो आप लोग का रैली है कितना सफल हो पाएगा? रैली इस बार अब तक बिहार में जो भी रैली हुआ है उस सबको ये रैली पीछे छोड़ देगा। क्या नाम है आपका? मनोज अग्रवाल, नगर अध्यक्ष। जहानाबाद में प्राइवेट स्कूल संघ का निजी कार्यालय नहीं था, इस कारण स्कूल के निदेशक, प्राचार्य या चेयरमैन को संघ से संबंधित बैठक करने के लिए किसी न किसी विद्यालय में बैठक करनी पड़ती थी। अब इस समस्या का समाधान हो गया। गांधी जयंती के मौके पर जहानाबाद स्थित प्रतिभा पलवन पब्लिक स्कूल में प्राइवेट स्कूल संघ का कार्यालय खोला गया। आयोजित एक समारोह में संघ के कार्यालय का उद्घाटन किया प्रज्ञा भारती विद्यालय के निदेशक राकेश कुमार ने। इस मौके पर पीपी शैक्षणिक ग्रुप के चेयरमैन अभिराम सिंह सहित प्राइवेट स्कूलों के लगभग सभी निदेशक, चेयरमैन और प्राचार्य उपस्थित थे। चंद्र मिश्रा, आजकल के लिए। आज यहाँ पर जहानाबाद निजी विद्यालय शिक्षक संघ के एक कार्यालय का उद्घाटन किया गया। चूँकि जहानाबाद में जो भी निजी विद्यालय शिक्षकों की या डायरेक्टरों की कोई भी बैठक होती थी तो कहीं ना कहीं उनको एक जगह चुनना होता था। इस दिक्कत को देखते हुए यहाँ का जो संघ है निर्णय लिया कि एक अपना कार्यालय हो, उस कार्यालय की सारी व्यवस्था अपनी हो। इसलिए आज गांधी जी के जयंती के अवसर पर इस कार्यालय का उद्घाटन किया गया, और इस कार्यालय का उद्घाटन का खास करके यह अर्थ है कि जहानाबाद में जो भी विद्यालय चला रहे हैं उसके निर्देशक, प्रिंसिपल एक जगह बैठ करके अपने विद्यालय की कमी का चर्चा करें और उस चर्चा को दूर करके जहानाबाद के बच्चों को शिक्षा के क्षेत्र में एक ऐसा मिसाल दें जो बिहार में ही नहीं पूरे भारत में एक नमूना के तौर पर प्रस्तुत किया जाए। विचारों से ओत प्रोत आप तब होते हैं जब आप विचारों का अध्ययन करते हैं या सुनते हैं। कई महापुरुषों के विचार आज भी या कभी भी कहावत के रूप में कहे जाते हैं और कहे जाएंगे, और ये सब हमें किताबों के माध्यम से जानकारी मिलती है। इसलिए स्वामी विवेकानंद की 150वीं जयंती के मौके पर जहानाबाद के गोरक्षणी मोहल्ले सहित अन्य मोहल्लों के घर घर में स्वामी विवेकानंद के विचारों से संबंधित किताब बांटे गए और लोगों को बताया गया कि कैसे और क्यों विवेकानंद के पद चिन्हों पर चलना चाहिए। इस मौके पर धीरेन्द्र शर्मा, लखन कुमार, शंकर पंडित समेत कई लोग पुस्तक बांट रहे थे। चंदन मिश्रा, आजकल के लिए। एक कार्यक्रम है, स्वामी विवेकानंद जी का 150वां वर्षगांठ है, उसी के उपलक्ष में हम लोग घर घर में उनका चित्र और पुस्तक का वितरण कर रहे हैं। संदेश देना चाहते हैं विवेकानंद जी का, जो भी अपने देश के लिए किया है अच्छा कार्य, उसके लिए हर घर तक उनका संदेश पहुंचाने का कार्यक्रम।